मेरा एक दोस्त है, वो कह रहा है मैं GTL इंफ्रा लूंगा, मुझे इसका काम बहुत अच्छा लग रहा है। छोटी सी चीज से बड़ी चीज रुक जाए तो वो छोटी चीज कब आपको कीमती सर 500 में 500 शेर ना लेके ना सर, 500 का एक शेर ही जो अच्छे करते हो काम उसमें अगर नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल में जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करेंगे सर सोलर के ऊपर, यानी कि रिलायंस सोलर के लिए क्या क्या काम कर रहा है, और हम ऊर्जा ग्लोबल और छोटे मोटे शेयरों के पीछे ही पड़ चुके हैं और अब बदलाव हमें करना पड़ेगा। और बात करेंगे सर GTL इंफ्रा की, बहुत ज़्यादा लोग कहते हैं कि सर इसके ऊपर वीडियो बनाओ। और बात करेंगे सर कि सेमी कंडक्टर से किस तरह से बदलाव आने वाले हैं, और कंटिन्यू मेरी दूसरी वीडियो सर सेमीकंडक्टर पर सर तत्वों पे होने वाली है। सबसे पहले इन सब की बात बताने से पहले ना, अब तो बदलाव हमें करना ही पड़ेगा, कब तक के हम पैनी स्टॉक के पीछे घुसते जाएंगे। बदलाव कीजिए सर 500 में 500 शेयर ना लेके ना सर, 500 का एक शेयर ही जो अच्छे करते हो काम उसमें अगर हम डाल दें सर, वो 500 हमारे 700 हो जाएंगे, लेकिन वो एक रुपए का जो शेयर है ना हमारा सर, वो 5 पैसे बढ़ेगा ना, तो आप देख लो आपके वो कितने होने वाले हैं। तो सारा फर्क यही है कि पैनी स्टॉक में हम जालों में फंसते नजर आ रहे हैं। एक न्यूज निकल कर और आ रही है सर कि सेमीकंडक्टर की कमी से सर कारों की बिक्री में बहुत गहरा असर पड़ गया है, यानी कि कारों की बिक्री में कमी आई है। जहां सेमीकंडक्टर चिप की कमी से जूझ रही कंपनियां अपने उनके उत्पादन में चिप की वजह से जो कमी आ गई है उसकी वजह से उनका जो उत्पादन कम हुआ है, और वो बिक्री के असर में भी वो देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि सेमीकंडक्टर से कार रुक रही है सर, कारों की बिक्री रुक रही है। तो इम्पोर्टेंट क्या निकल कर आ रहा है कि सेमीकंडक्टर वाले शेयरों में हमें नज़र रखनी चाहिए। और मैंने कल ही बता दिया था कि वेदांता $3 अरब इन्वेस्ट करने के लिए इस सेक्टर पर जा रहा है, और वो $3 अरब जुटाने के लिए बैंकों से बात कर रहा है, क्योंकि उसको सेमीकंडक्टर वाला बिजनेस बहुत अच्छा लग गया, और टाटा भी इसके लिए काम कर रहा है। तो कहीं ना कहीं सेमीकंडक्टर जो कारों की बिक्री रोक रही है, कम कर रही है, उत्पादन कम हो रही है, तो कहीं ना कहीं हमें ये देखना चाहिए कि सेमीकंडक्टर आने वाले दिनों में बढ़िया उनके शेयर जो हमें अच्छे प्राइस पर मिलेंगे ही मिलेंगे, ये आपको रखना है सर। किसी एक छोटी सी चीज़ से बड़ी चीज़ रुक जाए तो वो छोटी चीज़ कब आपको कीमती नज़र आएगी, ये एनालाइज आपको मेरे द्वारा बताई जा रही है। जब बिक्री में सेमीकंडक्टर में अच्छे प्लांट जो हमारे थे वो बंद होते गए, क्यों बंद होते गए, क्योंकि सर चाइना में फिर से कोविड जो आ गया था उसकी वजह से जो प्लांट बंद भी करने पड़े, और उसकी वजह से भी यह उसके अंदर कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट आपको देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं आपको आगे जाकर सेमीकंडक्टर वाले शेयरों में नज़र अभी से हमें रखनी पड़ेगी। तो बात करते हैं सर सोलर की, और सोलर में हमारा नाम जैसे ही निकल कर आता है तो हमारा कहीं ना कहीं ऊर्जा ग्लोबल के क्षेत्र में चला जाता है, क्योंकि वही शेयर है जो हमें थोड़े से ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दिया है। तो ऐसे जो शेयर है हमारे ऊर्जा ग्लोबल जैसे, इसमें हम थोड़ा इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन उसकी उल्टे नज़र आपको देखना ये पड़ेगा कि रिलायंस भी सर 100 GW सोलर परियोजना के लिए सर मेगा लैंड बैंक ढूंढ रहा है, यानी कि भूमि ढूंढ रहा है बहुत बड़ी जिसमें वो एक परियोजना लगा सके सोलर की, क्योंकि उसे पता है कि आने वाला समय सर रिन्यूएबल एनर्जी पे होने वाला है, और कहीं ना कहीं वो सूर्य से बिजली बनाकर अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाने की जो एक परिकल्पना 100 GW के लिए उछाल ला देगा सर। तो थोड़ा सा ऊपर की तरफ हम बढ़ेंगे, और रिलायंस के इस कदम से रिलायंस के शेयरों में नज़र हमें रखनी पड़ेगी। बहुत पॉजिटिव न्यूज है, और इस न्यूज का अगर आपको असर देखना है तो आपको रिलायंस के शेयरों में इसका आने वाले समय में इफेक्ट जरूर देखने को मिलेगा। तो बात करते हैं सर GTL इंफ्रा की। सर 1.40 रुपये तक का शेयर आ गया है, और अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आपको आगाह किया था कि 1.50 रुपये जब ये शेयर चल रहा था, मैंने कहा था कि इस छोटे शेयर में इसके जो काम हमारे जो दिख रहे हैं ना, इसकी वजह से हमारा इन्वेस्ट ज़्यादा होता जा रहा है। तो शेयर धीरे धीरे 5-5 पैसे करते ही हमारे जो पैसों को कम करता जा रहा है सर। जितना ये कमा रहा है सर उतना तो ये अपने कर्जों को चुकाने में लगा रहा है, और इसके जो प्रमोटर हैं अपने शेयरों को काफ़ी गिरवी भी रख चुके हैं सर। तो देखने की बात ये है कि इसके अंदर हमारे जो दृश्य जो हमें नज़र आ रहा है, वो टावर ये लगाएगा, और ये टावर लगाएगा 5G
तेजी आने की उम्मीद से जो हमारे अंदर एक ज्वाला जाग रही है इस शेयर को लेने के लिए, उसके अंदर थोड़ी सी हमें कमी लानी पड़ेगी, क्योंकि दिन प्रतिदिन 5-5 पैसे करते ही हमारी पूंजी कम होती जा रही है। तो इसे ही कहते हैं पैनी स्टॉक, धीरे धीरे दर्द देना, यानी कि पैनी स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में हमें रखना। तो समझिए सर, इससे थोड़ा हमें आगे की तरफ बढ़ते कदम थोड़े से ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा जो इस क्षेत्र में इस तरह का काम कर रहे हों। कंपनी सर टॉप लूजर में जाती जा रही है और हृदय हमारे टूटते जा रहे हैं। मेरा एक दोस्त है, वो कह रहा है मैं GTL इंफ्रा लूंगा, मुझे इसका काम बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने कितने पैसे लगाओगे? कह रहा लगा दूंगा 2-4 हज़ार रुपये, क्योंकि उससे पता है कि 2-4 हज़ार लगाएगा इतने ही उसके शेयर आ जाएंगे। वो सोच रहा कि मेरे पास शेयर की क्वांटिटी ज़्यादा हो गई है कम पैसे लगाकर। बस यही भावना हमें मार्केट से लॉस लेकर बाहर कर देगी। सर एक चीज़ देखो कि जब रिलायंस सोलर पे इतना बड़ा काम कर रहा है और इसका शेयर आपको इतने ऊपर मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं हम इसके एक दो शेयर अगर हफ्ते में महीने में भी इसके हल्के हल्के खरीदते रहे, और इनके पास होता सर पैसा काफ़ी, तो ये अपने प्रोजेक्ट को करने के लिए पैसा अंधाधुंध लगा देते हैं। जैसे अडानी के शेयरों में आपको उछाल मिल रहा है ना, वो क्यों मिल रहा है? क्योंकि अडानी सर अच्छी अच्छी पार्टनरशिप कर रहा है, क्योंकि अडानी के पास अच्छा अच्छा पैसा है और वो पैसा सर अच्छे क्षेत्र पे लगा रहा है, इसलिए आपको अडानी के जो शेयर है ना बढ़ते कदम पे आपको मिल रहे हैं। यानी कि जो चीज़ बढ़ रही है उसके ऊपर सब दाव लगाने के लिए तैयार रहते हैं। और इसलिए कह रहा हूँ कि हमें अच्छे बनने के लिए सर पैनी स्टॉक पर कम दिमाग हमें लगाना पड़ेगा। GTL एक सपना है और वो सपना सर हमारा 80% पूरा नहीं होगा, मैं आपको बता दूं 20% ही हमारा वो सपना पूरा हो सकता है। मैंने कहा था कि इसे 3-4 रुपये तक के हमें देखना पड़ेगा, और इससे ज़्यादा अगर हमने देखा तो कहीं ना कहीं हम फ्यूचर में बहुत बड़ी गलती करके बैठ जाएंगे। अब मैं आपको कह रहा हूँ जिसके पास इन्वेस्ट हुआ है तो वो उन्होंने क्या सोच के इसमें इन्वेस्ट किया, अगर उनका नज़रिया काफ़ी लंबे समय का है तो हो सकता है कि इसमें चमत्कार हो जाए। सर ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि इसमें चमत्कार नहीं हुए, क्योंकि एक न्यूज ही इस शेयर का पासा पलटेगी कि भाई इसने सारे टावर लगाने का जो जिम्मा है बेखूबी अपना लिया है। यानी कि ये काम अच्छा करेगा तो इसमें ग्रोथ होएगी, ग्रोथ होएगी तो पैसा आएगा तो अपने कर्जे को निपटाएंगे तो ज़्यादा एम्प्लॉयज़ रखेंगे तो कंपनी आगे की तरफ बढ़ेगी और सबकी नज़रों में आएगी। फिर शेयर इसका धीरे 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 आगे की तरफ आपको जाता हुआ दिखाई देगा। अगर आपको मेरी एनालाइज बिल्कुल भी समझ आ रही है तो आपको इसके अंदर अपना थोड़ा सा दिमाग लगा कर बैठना पड़ेगा, शांत बैठना पड़ेगा। कुछ दिन पहले ही आपके लिए मैंने यस बैंक की वीडियो बना दी थी, जिस दिन इसका रिजल्ट आया था मैंने कहा कि सर ये दोबारा गिरना शुरू कर दे तो अपना दिल मत तोड़ लेना, और वैसे ही ये हो रहा है, ये आपको अपर सर्किट लगाता हुआ यस बैंक नहीं देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं GTL इंफ्रा जो 1.40 रुपये का शेयर आ गया है, जो हमारी उम्मीदों में खरा नहीं उतर रहा है, दिन प्रतिदिन ये शेयर गिरता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इसके अंदर हमें थोड़ी सी संभावना कम करके बड़े शेयरों की तरफ हमें प्रस्थान करना पड़ेगा। यही मार्केट है, अपने को जितनी जल्दी समझा सको समझा लो। तो सर सेमीकंडक्टर से जब कारों में इतना बड़ा इफेक्ट पड़ सकता है, सोलर में जब रिलायंस इतनी बड़ी परियोजना के बारे में सोच सकता है, तो हम उनके शेयर लेकर थोड़े से तो सोच सकते हैं कि हमारे लिए इतनी बड़ी कंपनी काम कर रही है। पैसों को बचाओगे पैसा ही आगे आगे आपको काम आने वाला है, और पैसा को गवाओगे तो कहीं ना कहीं आपका 1 लाख रुपये जो है पैनी स्टॉक में लगते ही आपको कब वो 70-80 में मिलेगा आपको पता भी नहीं लगेगा। फिर भी अपने एनालिसिस अलग से कीजिए, सारी संभावनाओं को तलाश कीजिए, किसी को खरीदने किसी को बेचने की सलाह इस चैनल पर नहीं है, बल्कि दिखाया जाता है एक आईना, और वो आईना अगर सच्चा है कड़वा है तो वो ही आपको और वो ही मुझे सही करता है। कड़वी चीज़ें हमेशा सही होती है, जैसे कि दवाई और करेला। सो सर चीटी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।